जी मैम, आज की प्रेस वार्तालाप के बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम ममता सुदर्शन है, तहसीलदार मेरा मांग रहे हैं। कल मुझे मीडिया के थ्रू पता चला था कि सब डिवीज़न अखनूर के SDM साहब के ऑफिस में एक प्रोटेस्ट किया था हमारे तहसील के निवासियों ने रिगार्डिंग EWS सर्टिफिकेट, तो उन चीज़ों पे मैं कुछ क्लेरिफिकेशन देना चाहती हूँ, तो ये प्रेस मीट उसी के लिए है। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि EWS सर्टिफिकेट जो है, इसका जो क्राइटेरिया क्या रखा गया है सरकार ने, इसके जो एक तो एग्रीकल्चरल लैंड 40 कनाल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इनकम आपका 8 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए सालाना, और रूरल एरियाज़ में आपका जो रेजिडेंशियल एरिया है वो 1800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो वैलिडिटी है EWS सर्टिफिकेट की वो है 1 साल की, ठीक है। तो जैसे कल कुछ लोग बोल रहे थे कि 3 साल से हो रहा है, 2 साल से हो रहा है, तो रूल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि अगर किसी का 3 साल से इशू हो रहा है तो आप उसका इशू कर सकते हैं, क्योंकि हर साल नए से अप्लाई होता है, कंडीशंस चेक की जाती हैं, क्राइटेरिया में फॉलो होगा तो ही वो चीज़ इशू होगी, EWS सर्टिफिकेट इशू होगा। सेकेंड चीज़ है जो एक और आया है कि ये जो लड़का था कल रोशन लाल, इनकी आई थी कल एक कंप्लेंट थी कि 9 दिसंबर 2021 को हुआ है, बट इनको मैं ये बता दूँ आपके थ्रू कि ये 9 दिसंबर 2022 तक वैलिड है, ठीक है। तो इनका कोई प्रोटेस्ट करने का वहाँ पे मकसद नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात एक और है कि मैरिड और एबो 18 ईयर जो हैं उनसे हम राशन कार्ड मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राशन कार्ड एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ना कि सिर्फ EWS, हर एक फाइल के साथ उसको लिया जाता है, उसमें हम फैमिली मेम्बर्स को काउंट करते हैं और अगर इनकम वगैरह देखनी होती तो वो भी वहाँ से हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपके थ्रू ये सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर लोअर लेवल जिस तरह से अभी राशन कार्ड की आपने बात की, राशन कार्ड अभी नए जो है नहीं बन रहे हैं, सपोज कीजिए किसी की पिछले मंथ मैरिज हुई है, तो उसको फिर आप किस तरीके से सेपरेट यूनिट कंसीडर करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर जिसकी मैरिज हुई है वो खुद ही एप्लीकेंट है, तो उसका रिपोर्टिंग का सिस्टम है, पटवारी से रिपोर्ट ली जाती है, गिरदावर से, हाँ सरपंचिस को भी कंसल्ट किया जाता है इस चीज़ में, टेलीफोनिकली हम उनसे भी पूछ लेते हैं कि नॉट रिगार्डिंग ओनली EWS बट RBI या कोई भी सर्टिफिकेट हो वहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। एक और चीज़ है मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पे कोई अप्लाई कर रहा है एप्लीकेंट और इशू नहीं हो रही, रिजेक्ट हो रही है ड्यू टू सम रीजंस, तो वो हायर अथॉरिटीज़ के पास अपील में जा सकते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। मैम ये EWS जो है ये कितने दिनों में सर्टिफिकेट जो है इसका मिल जाता है, कितना टाइम पीरियड? इसका जो टाइम पीरियड है अभी ऑनलाइन जो नई सर्विसेज आई हैं PSG के अंडर 30 डेज का टाइम। मैम यहाँ पे एलिगेशंस ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये 3-3 महीने से इशू किया भी हुआ था फिर रोक दिया गया, नहीं ये बेसलेस है, ऐसा फेक एलिगेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। मैम जिस तरह से एलिगेशन और भी लगाए जा रहे हैं लोगों ने, जिस तरह से कल प्रोटेस्ट किया कि मैडम बर्तन तक चेक करते हैं अंदर जाके घरों में, क्या ये कितने का किस हद तक इसकी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है, बर्तन तक चेक करने की कोई बात ही नहीं है। हाँ वेरिफिकेशन करना हमारा काम है, किसी के एरिया में जाके देख रहे हैं कि कितना एरिया है, 1800 से ज़्यादा तो नहीं है, वो चेक किया है, बर्तन तक चेक करने का कोई किचन कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं। किचन यहाँ पे 4 किचन हैं मुझे पता है, यहाँ पे समर की किचन अलग है, विंटर की किचन अलग है, तो किचन चेक करने का तो सवाल ही नहीं होता है। किस बेसिस पे आप बताएंगे कि कौन सी किचन किसकी है? मैम आपके जिस तरह से आपने बात की, किचन का तो कोई मसला है नहीं है सरो 518 में, ना ही कोई ऐसा प्रोटोकॉल है कि किचन जो है सेपरेट चाहिए, क्योंकि हमारे पुराने एंसेस्टर्स की जब बात करते हैं, हम 8-8 फैमिलियाँ मैम एक घर पे रहती थी और एक ही किचन होती थी, वो तो मैम पीसफुल ही रह रहे हैं ना, तो किचन का तो यहाँ पे कोई इशू ही नहीं है। बिल्कुल किचन की कोई ना उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है ना कोई ऐसा इशू है किचन के रिलेटेड, ठीक है। और एक और चीज़ उन्होंने ये उठाई थी कि इनकम और लाडली बेटी की जो सर्टिफिकेट्स इनकम जो इशू हो रही है उनमें डिले हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जल्द से जल्द इशू हो, उसका भी 30 डेज का टाइम रखा हुआ है, तो मोस्टली यहाँ पे 8-10 दिन में इशू हो जाती है। हाँ अगर कोई एप्लीकेंट इसी टाइम अप्लाई कर रहा है और वो चाहता है कि आज ही इशू हो जाए वो पॉसिबल नहीं। मैम आपके एक एलिगेशन जो यहाँ पे लगाए गए कि तहसीलदार मेरा मंत्र जो है जब भी तहसील में जाओ तो वहाँ पे कोई ड्रेस कोड का इशू आ रहा है यहाँ पे, कि कोई ड्रेस कोड होना चाहिए, बुजुर्ग लोगों से बदतमीजी का कुछ ऐसा करके, नहीं इसमें कितनी सच्चाई है इस बात को? ये बिल्कुल फेक है, बुजुर्ग लोग जो है हर किसी के रिस्पेक्ट है, ऐसा कोई ऑफिसर नहीं होगा जो किसी बुजुर्ग की इंसल्ट करेगा किसी आपके नायब तहसीलदार पे भी। मैम सीरियस एलिगेशन लगे हैं कि वो तो और भी ज्यादा बदतमीज है मैडम जी, क्या कहेंगे?
तो अगर तहसीलदार भी बदतमीज ना है, इस तरीके का ये एलिगेशन बिल्कुल फेक, ठीक है। हम इन पे कोई वो नहीं, इसमें क्लेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। अभी तक मैम तहसील मेरा मंदरा से जब से आप आए हैं कितने आपने EWS इशू, जब से मैं आई हूँ 29 सितंबर 2021 को मैंने ज्वाइन किया है, तो लास्ट ईयर 19 सर्टिफिकेट्स इशू हुए थे, दिस टाइम 40 सर्टिफिकेट्स आए थे, उसमें से 31 इशू हो चुके हैं और 9 जो है रिजेक्ट हो चुके हैं। मैम आपने कहा कि रिजेक्शन ठीक है, आपकी बात सही है कि रिजेक्शन लेके हायर अथॉरिटीज़ के पास जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई प्रूफ दिखा रहा है जिस तरह से हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी है कि ओरिजिनल राशन कार्ड जो आप कह रहे हैं इस तरीके का, राशन कार्ड का तो इशू ही नहीं है, बिल्कुल राशन कार्ड का कोई मसला ही नहीं है। तो मैम इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी कोई इशू नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमने नहीं मांगा। अब कल को मेरे पास एक फाइल आई है, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल रामा कॉलोनी अखनूर का लगाया है जी, तो रामा कॉलोनी अखनूर का बिल यहाँ पे कैसे वैलिड है? अब बंदे ने तो फाइल में लगा दिया है जी। तो अब हम देखेंगे उसको, चेक करेंगे। मैम EWS के लिए अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है या जैसे कि ये जरूरी भी नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ में लगाने चाहिए EWS के लिए? EWS के लिए आप जितनी भी आपकी जमाबंदी की नकल होती है, ठीक है, आपका वोटर आईडी लगा सकते हैं आप, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैम आपका कहना है कि पीसफुली बहुत अच्छे तरीके से सब चल रहा है? हाँ देखिए, किसी का रूल में मोस्टली यहाँ पे इशू एरिया के रिगार्डिंग है, ठीक है, 1800 से एक्सीड कर रहा है, मेन इशू वही है, तो वहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। अगर ऊपर से कोई डायरेक्शन आती है हायर अथॉरिटीज से कि इस तरीके का नहीं किया जाए, तो वो फिर रूल के अकॉर्डिंगली वो भी फॉलो होगा। बट अभी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो रूल के अकॉर्डिंगली चल रहा है वैसा ही चलेगा। मैं हायर अथॉरिटी के पास जाने से अच्छा है आप चलो एक दो दिन ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन लोगों को अगर यहीं से इशू हो जाए तो अगर वो हरास नहीं होंगे। अगर किसी का कोई और ग्रीवियंस है वो पर्सनली भी आके कर सकते हैं रादर देन गोइंग फॉर द प्रोटेस्ट। आखिर में आप क्या अपील करना चाहते हैं अपनी हायर अथॉरिटीज से और लोगों से यहाँ? लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँ कि किसी के बहकावे में आकर इस तरीके का ना करें। अगर जो जेन्युइन है वो कभी रिजेक्ट नहीं होगा, जिनका कोई इशू होगा जो क्राइटेरिया में फॉल नहीं करेगा तो वो रिजेक्ट होगा, उसके बाद रिजेक्ट होके वो अपील में जा सकते हैं। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू।